नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द लर्निंग हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के द्वारा जो है शास्त्री की दो पोस्टें भरी गई हैं और ये जो नियुक्ति हुई है ये बैच वाइज हुई है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये बैच वाइज हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुई है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो इसकी बैच वाइज काउंसलिंग कब हुई थी, तो ये मार्च 2021 में जो है डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके द्वारा की गई थी। उसी में से जो मेरिट लिस्ट बनी थी, उसमें जो वेटिंग लिस्ट है, उसी में से ये नियुक्तियां की गई हैं। अभी मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो नियुक्तियां हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुई हैं। जो फर्स्ट जो 2 ईयर्स रहेंगे इनको, इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, उसके बाद इनको रेगुलर नियुक्ति दी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान जो है इनकी सैलरी जो रहेगी वो 21,360 रुपए रहेगी, जो कि इनका अगर जब ये रेगुलर होते हैं उसका जो स्केल जो रहता है तो उसका ये 60% है। तो मैं ये इन दोनों कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये दो कैंडिडेट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है सिबला सन ऑफ श्री मठूराम, विलेज करोहा, पीओ गुन, तहसील ठियोग, डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो शिवलाल जी जो हैं जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं और इनकी जो पोस्टिंग जो हुई है जो स्कूल जहां पे वो है GHS पारवा। और सेकंड वन जो है सुरेश कुमार शर्मा है, सन ऑफ श्री टीकाराम शर्मा, विलेज सोहल, पोस्ट ऑफिस मेहंदू बाग, तहसील पच्छड़ और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो सुरेश कुमार जी ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं और जो इनको पोस्टिंग हुई है इनकी वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटवार में हुई है। अब मैं बात करूंगा कि जो ये दो नियुक्तियां हुई हैं उनको जो है ज्वाइनिंग का टाइम जो है 15 दिन का दिया गया है। उन्हें विद इन 15 डेज जो है अपने जो रिस्पेक्टिव जो इनके स्टेशन जो हैं वहां पे जाके इनको ज्वाइनिंग देनी होगी और अपने जो सारे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो वहां पे सबमिट करने होंगे। तो इन दोनों कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से बधाई कि इनको एक अच्छा मौका मिला है सर्व करने का। तो इसको एक अच्छा मौका समझ के बच्चों के भविष्य का निर्माण करें। थैंक यू वेरी मच।